कानपुर के खुराना आज नया शो आ रहा है स्टार प्लस पे, और जीजा जी से तो मिलवा चुके हैं हम, तो आइए मिलते हैं उनकी साली से, यानी उपासना मैम से। वेलकम उपासना मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी तो इस शो में किस अंदाज में नजर आने वाली है आप? देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, कॉमेडी शो है और इसमें मेरा नाम है बुलबुल, और बुलबुल जो है वो साली है, उस 6 सालियां हैं, और जो जीजा जी पे बुरी तरह फिदा है, उसे लगता है कि मेरे जीजा जैसा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। तो वो अपना, उसकी शादी हुई, ये देखिए मंगलसूत्र भी पहना हुआ है मैंने, लेकिन जब भी कोई आता है ना, मुझे लगता है कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं इसको अंदर छुपा लेती हूँ। तो उसको लगता है कि अगर मेरे जीजा जी जैसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं उससे शादी करूं, तो वो अपना घर छोड़ के आ गई है। लेकिन मेरी जो बहनें हैं वो मुझसे बहुत दुखी हैं, उनको लगता है एक शादी करके गई थी, अब ये फिर से आ गई वापस, तो वो मुझे घर से भगाना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक स्टैचू है, वो भी हमारी बहन है, और मेरी उससे बहुत बनती है, क्योंकि मैं अपने दिल की सारी बातें उसके साथ करती हूँ, और वो आगे से मुझे जवाब नहीं देती, मुझे गाली नहीं निकालती, तो मुझे लगता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो ये बड़ा ही एक नटखट, बड़ा ही खूबसूरत शरारती कैरेक्टर रहेगा बुलबुल, और मुझे लगता है लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल पसंद करेंगे, अब क्योंकि अभी तक इनको अलग अलग अंदाज में आपको देखते आए हैं मैम, तो इस शो में अलग अलग टीम भी जुड़ी है और काफी पुराने भी साथी है, तो किस तरह से बॉन्डिंग है और किस तरह से मजा आ रहा है शो करने में? कि रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, हमने झलक भी देखी, इतने अमेजिंग लग रहे प्रोमोस, क्या कहेंगी? असल में क्या होता है कि जब आप नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है कि आपकी ट्यूनिंग होने में टाइम लगता है, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जिसके साथ हम ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम फिर से इकट्ठे हो गए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोगों का एक रैपो बना हुआ है, और हम लोग जब सेट पे जाते हैं इतनी अच्छी वाइब्रेशन आती है, एक दूसरे को हम लोग मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, शो के बारे में बात करते हैं, नई नई आइडियाज खोजते हैं, तो बहुत मजा आ रहा है इसे करते हुए। और ये चीजें होती है ना, जब एक्टर्स की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, राइटर्स अच्छे होते हैं, टीम अच्छी होती है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, क्योंकि वहां पे कोई राइवलरी नहीं कि इसका ना अच्छा हो जाए, उसका ना अच्छा हो जाए, ये ज्यादा काम अच्छा क्यों करे, ऐसा भी बहुत शोज में आपने तो देखा है कि होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि दूसरे का काम अच्छा हो, क्योंकि बाद में तो रिजल्ट मायने रखता है कि हम ऑडियंस के लिए शो बना रहे हैं, तो इसमें हम सब मिलजुल के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग आ भी रहे हैं ना, वो भी इतना एंजॉय, रणबीर जी आए, सोनू सूद आए, रोहित जी आए, धर्म जी आए, तो धर्म जी ने तो यहाँ तक बोला कि मेरे को तो जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, मुझे इतना मजा आया, और वो कितने घंटे हमारे साथ थे, और फिर भी उन्होंने, क्योंकि जब स्टार्स आते हैं उनको लगता है कि नहीं हम तो कुछ ही घंटे के लिए रहेंगे, तो वो टाइम दे देते हैं, इतने टाइम के बाद हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो एक्टर्स आ रहे हैं वो उसके बाद जाने का नाम ही नहीं लेते। तो आप, आज हम सुबह 5:30 बजे तक शूट कर रहे थे, और रणबीर जी सुबह तक थे, और रोहित शेट्टी भी सुबह तक थे, तो वो खुद भी इतना एंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि और एक अच्छी टीम बनी है, बहुत मजा आ रहा है। ग्रेट। तो मैम, आपका लुक क्या कुछ इस किरदार में देखने को मिलने वाला है, किस अंदाज में, किरदार के लुक के बारे में, अगर अटायर के बारे में बात करें तो? देखिए, ऐसे वैसे आपने मुझे बहुत बहुत जगह देखा होगा सलवार कमीज पहने हुए, इसमें खास बात सिर्फ ये रहेगी कि हम लोग सातों जो बहनें हैं वो एक ही जैसे कपड़े पहनती हैं, तो अगर मैंने पहना है तो दूसरी के पास भी, क्योंकि हमारा जो जीजा है वो एक ही थान खरीद के लाता है, और उसी में सबके कपड़े बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग कोई चीज मिलती है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो जो हमारी एक बहन है वो स्टैचू है, वो दुकानों के बाहर खड़ी रहती है, उसको रोज के 200 रुपए मिलते हैं, वो साड़ी पहना के उसे दुकान के बाहर खड़ा कर देते हैं, हमारे घर में बाकी कोई कमाता नहीं। और मेरी जो अली जी जो रोल प्ले करें चौथी, वो कितने साल से एक ही क्लास में इसलिए पढ़ती है कि वहाँ मिड डे मील मिलता है, तो वो वहाँ से चुरा के लाती है, हम सब खाते हैं, तो इस तरह का कुछ अलग रहेगा। बाकी ऐसे तो आपने मुझे बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। फाइनली व्यूवर्स को क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर आप ये शो देखेंगे तो आपको मेरे हिसाब से निराशा नहीं होगी, बहुत मजा आने वाला है आपको शो को देख के। तो 15th से आ रहा है कानपुर वाले खुराना स्टार प्लस पे, जरूर देखिएगा। थैंक यू।